हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। ज्योति मौर्य केस का बिहार में सबसे बड़ा इफेक्ट। 93 पत्नियों के पतियों ने खान सर कोचिंग से कटवाए नाम। इन्हें तो जानते ही होंगे आप, फिर भी बता देते हैं, ये हीरा ठाकुर हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी को कलेक्टर बना दिया। सूर्यवंशम फिल्म का ये संदेश कुछ पतियों तक गया, उनकी मानसिकता बदली और अपनी पत्नियों को काबिल बनाने के लिए दिन रात एक कर दी। अब इस तस्वीर को देखिए, ये यूपी की ज्योति मौर्य हैं जिनके पति आलोक ने भी वही किया जो हीरा ठाकुर ने किया था। लेकिन ज्योति मौर्य ने ऐसा उदाहरण पेश किया है कि अब शायद ही कोई पति हीरा ठाकुर बनने की कोशिश करे। ज्योति मौर्य विवाद का सबसे बड़ा असर शायद बिहार में पड़ा है। खबर है कि बिहार की राजधानी पटना के खान सर की कोचिंग क्लास से 93 पत्नियों के पतियों ने उनका नाम कटवा डाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर की कोचिंग में बीपीएससी की तैयारी कर रही तकरीबन 93 महिलाओं की पतियों ने न केवल उनके नाम कटवा दिए बल्कि उसी वक्त उन्हें अपने साथ लेकर घर चले गए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तब उन्होंने यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद बताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस केस के सामने आने के बाद से वो तनाव में आ गए हैं। हालांकि खान सर ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी और की गलती की सजा किसी और को क्यों दी जाए। फिर भी उन पत्नियों के पति नहीं माने और उनके नाम कटवा कर अपने घर लेकर चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद से खान सर भी बेहद परेशान हैं, हैरान हैं। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी है कि किसी एक महिला की वजह से दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव आखिर कैसे किया जा सकता है। साथ ही उनकी चिंता ये भी है कि अगर ज्योति मौर्य के मामले ने विकराल रूप ले लिया तो इसका असर देश की लाखों उन महिलाओं पर पड़ सकता है जो कुछ कर गुजरने का सपना लेकर पढ़ाई लिखाई में जी जान से जुटी हैं। इतना ही नहीं, इसका असर उन महिलाओं पर भी पड़ सकता है जो महिलाएं अपने घर परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रही हैं। यानी इसका नुकसान हर हाल में केवल महिलाओं को ही उठाना पड़ सकता है। ज्योति और आलोक मौर्य के विवाद के बाद देश के कई हिस्सों से इस तरह के वाक्य सामने आने लगे हैं जिनमें कुछ ऐसी और भी महिलाएं हैं जो पति के त्यागों को धत्ता बताकर उन्हें या तो छोड़ चुकी हैं या फिर उन्हें छोड़ने की तैयारी में हैं। वहीं ज्योति मौर्य के विवाद आने के बाद कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वाकर घर वापस बुला लिया है। लेकिन जिस तरह से खान सर की कोचिंग से बीपीएससी की तैयारी करने वाले 93 महिलाओं का उनके पतियों ने नाम कटवा लिया, उन्हें घर वापस ले गए, ये न केवल ज्योति मौर्य केस का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट माना जा रहा है बल्कि पूरे देश में एक ऐसा संदेश दे रहा है जिससे महिलाओं का आगे बढ़ना दुभर हो जाने का डर है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।